मैम आप ये बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको सलमान खान की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की लगी? सुपर्ब। सुल्तान के बाद में ये सबसे बेस्ट मूवी है सलमान खान की। मैं जो कैटरीना कैफ की सलमान खान की जोड़ी है अभी तक की बहुत अच्छी रही है सारी फिल्मों के हिसाब से, तो ये उससे एक लेवल अप है या फिर डाउन है, क्या बोलेंगे? अब कैटरीना कैफ की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। तो भारत फिल्म आपको कैसी लगी? एकदम सुपर, मस्त, शानदार, जबरदस्त, कुछ भी कह सकते हो, मतलब फैंटास्टिक। सलमान खान की जो एक्टिंग है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी तो हमेशा लाजवाब थी, आगे भी लाजवाब रहेगी। सलमान खान तो सलमान खान ही है। कैटरीना कैफ है, उसकी एक्टिंग के बारे में कुछ बोलेंगे? अरे वो सलमान से कम थोड़ी है, वो कैटरीना सलमान दोनों एक हो गए तो धमाल। बोगस, ना तो हिस्ट्री समझ में, ना ज्योग्राफी, ना कुछ। सलमान खान की फिल्म होती है पहले, मतलब शकल देखने के पैसे है, वरना बोगस है स्टोरी। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया। क्या होता है, मतलब फ्लॉप हो गया मूवी? मेरी तरफ से तो फ्लॉप ही होनी चाहिए यार, ना तो हिस्ट्री, ना पॉलिटिकल, ना ज्योग्राफी, कुछ भी। बताइए आपको फिल्म कैसी लगी? अली अब बात चपल का डायरेक्शन है वो कैसा रहा आपके लिए हिसाब से? एक्शन बहुत अच्छा था, एक्शन कॉमेडी, स्टेज बोले प्लीज, एक्शन कॉमेडी वगैरह था। अच्छा, फिल्म की जो कहानी है किस तरह से है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कहानी तो मूवी देखी है, पता लगेगा। ये बताइए आप फिल्म के बारे में कि फिल्म आपको कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी लगी। सलमान खान के 5 लुक है फिल्म में अलग अलग, तो कौन सा लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे जवानी का लुक ज़्यादा अच्छा लगा उनका, जिस तरीके से उन्होंने किया है, निभाया है। कैटरीना कैफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, नूरा फतेही का जो डांस वगैरह है आपने कुछ देखा इस फिल्म में, कितना है उसका रोल? ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का रोल। फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी? फिल्म की कहानी ठीक थी, पर जिस तरीके से सलमान खान की होती है उस तरीके से नहीं, उस तरह से नहीं है। अच्छा, तो फिल्म को आप कितने स्टार देंगे? 3 स्टार्स। भाई में से जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी है, और सलमान खान ने जो किरदार निभाया बहुत अच्छा निभाया है, और जो हमारे कैटरीना कैफ है इसका भी बहुत अच्छा काम है, और बहुत अच्छी है मूवी। मूवी हिट जाएगी और मेरे हिसाब से ये 300 करोड़ पार करेगी। 300 करोड़ जाएगी ये फिल्म? जो क्या है, एक कोरियन मूवी की कॉपी है, रीमेक है मतलब। तो क्या लगता है कि इसका कितना किरदार अच्छा हुआ है सलमान खान ने, किस तरह किया आपने किरदार? सलमान खान ने किरदार के साथ में पूरा 100% दिया है, मतलब जितना अच्छा उसमें रिमेक ने जो था उस हिसाब से सलमान खान ने बेस्ट दिया। अच्छा, एक बात बताइए, सलमान खान की और कैटरीना कैफ की जोड़ी है वो कैसी लगी है? सलमान खान की और कैटरीना कैफ की जोड़ी कल भी हिट थी, आज भी हिट और आगे भी हिट रहेगी। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया इस जोड़ी ने। अभी 10 लोगों का क्या रिएक्शन था इसमें थिएटर में? इस मूवी के 10 लोगों का ये रिएक्शन था कि उन्होंने सबने इस मूवी को हिट बताया, और मैंने खुद ने पर्सनल मेरा ये व्यू है कि मैं एक बार और इस मूवी को देखने जाऊंगा, मुझे इतनी अच्छी लगी है। आज कितनी कमाई हो सकती है इसकी? आज जैसे ईद है सलमान, आज मेरे हिसाब से ये मूवी 150 करोड़ पार करेगी। थैंक यू अंकल। उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे लगता है वो ऐसे सुपरस्टार है जो पहली बार उन्होंने 30 तीसरी बार लगातार फ्लॉप फिल्में दी है। अच्छा, जो और फिल्म के अंदर सबसे बुरी चीज ये है कि कई चीजें वक्त के हिसाब से मैच ही नहीं कर रही है। अच्छा, उनकी माता जी उनसे भी ज्यादा जवान लग रही है। अच्छा, सलमान जो खुद 70 साल का दिख रहे हैं, उसकी मम्मी 60 साल की दिख रही है, तो ये सब चीजें बहुत बकवास है। मुझे लगता है सलमान को अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, फिल्म बेकार है। मतलब मेकअप सही नहीं हुआ, मेकअप भी सही नहीं हुआ, फिल्मों में गाने डाल दिए, कहानी डालना ही भूल गए, कहानी डालना स्टोरी डालना ही भूल गए। अच्छा, और खाली फिल्में पे और खाली गाने डाल दिए, तो सलमान के लिए सूट नहीं करता ही। कितना कमाई कर लेगी आपके हिसाब से? मुझे लगता है फिल्म खर्चा भी नहीं निकाल पाएगी, और वैसे तो मुझे लगता है फिल्म को खर्चा भी लगा है, इंडोर शूटिंग सारी है। अच्छा, और कुल मिला के सलमान को ये सब सूट नहीं करता, और बहुत निराशा हुई है फिल्म देखकर। मतलब फिल्म फ्लॉप है आपकी तरफ से? बुरी तरह से फ्लॉप है। कितने स्टार देंगे आप? मैं तो स्टार उनको जो पहले दे रखा है वो छीन लूंगा। फिल्म का ट्रेलर को रेस्पॉन्स तो मिला था, लेकिन मुझे तो ट्रेलर भी पसंद नहीं आया था फिल्म का। अरे, फिल्म को 175 करोड़ का काफी बड़े बजट में बनाया गया है, तो आपको लगता है कि उतना खर्चा पानी निकाल पाएगी या फिर? ये फिल्म जितना भी बिजनेस कर लेगी वो समझ लीजिए बहुत ज्यादा ही है, मतलब डिजर्व नहीं करती इतना बिजनेस। डिजर्व इतना भी नहीं करती, 175 करोड़ के लगता भी नहीं कि फिल्म में इतना खर्चा किया है उन्होंने। जब क्या हमने काफी लोगों से भी पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि काफी अच्छी फिल्म है, 300 करोड़ कमाएगी, 350 करोड़ कमाएगी, तो आपको क्या लगता है कि ये उतना कर पाएगी या फिर फ्लॉप है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ तक का बिजनेस कर लेगी, क्योंकि वो भी ईद पे रिलीज है, छुट्टी का समय है, और सलमान खान का एक थोड़ा सा स्टार पावर है, उसकी वजह से हो सकता है 150 करोड़ कर ले। अच्छा, आप ये बताइए सबसे पहले कि फिल्म आपको कैसी लगी कहानी वगैरह के हिसाब से? कहानी एवरेज थी, और मतलब मूवी में एक्शन सीन जिसके लिए हम देखने आए थे वो बिल्कुल नहीं मिले हमें, एक्शन सीन वगैरह,
और मतलब एवरेज कहानी थी इसकी, थोड़ा कॉमेडी वगैरह सही था इसमें, जैसे शिप में एक सीन आता है अमिताभ बच्चन बॉलीवुड वगैरह के सॉन्ग्स वगैरह चलते हैं तो हमने थोड़ा एंजॉय किया, बाकी तो पूरा कहानी एवरेज थी। फॉलो चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है। कुछ रिश्ते खून से होते हैं और कुछ जमीन से, तेरे पास दोनों है। मैडम सर, नाम और उम्र बोलो। भारत। भारत क्या? मेरे बाबूजी ने देश के नाम पर मेरा भी नाम रखा है, अब अगर उसके आगे पीछे मैं कोई सरनेम लगा दूं तो इस नाम का कद्र और इज्जत दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं।